उस बच्ची ने तो केवल दरवाजा खोला था। सामने उसके दो हैवान आए, उसे जंगल ले गए, उसे मारा पीटा और फिर उस पर एसिड की बरसात कर दी और 14 साल की बच्ची आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अमरोहा में तेजाब हमले में घायल किशोरी की मेरठ के अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रहरा थाना क्षेत्र के गांव के ग्रामीण के मुताबिक रविवार रात उनकी 14 साल की छोटी बहन टॉयलेट के लिए उठी तो किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई। उसने दरवाजा खोला तो वहां खड़े दो लोग उसे जंगल में ले गए और पिटाई कर तेजाब उड़ेल दिया। वो किसी तरह घर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी दी। आनन फानन में परिजन पुलिस को सूचना दिए बिना उसे मेरठ के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मामले को पुलिस केस बताकर कहीं और ले जाने का सुझाव दिया। सोमवार दोपहर 4 बजे किशोरी को रहरा थाने लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया, जहां उसकी मौत हो गई। ये पूरी वारदात एक पुरानी रंजिश के चलते की गई। पहले तो इस मामले पर परिजनों का क्या कहना है वो सुनिए। और ये 3-4 बजे के आसपास की बात है। ये सुबह जैसे ढोरों के उधर हमारे ढोर बनते हैं गेट के पास में ही, पेशाब पेशाब करने के लिए या पानी के लिए बाहर निकली घर से। उसे दो आदमी जैसे उसने बताई मुंह भींच के जंगल की तरफ ले गई। खिड़की खोल के उसने बाहर को देखा ना, तो वहाँ पे उसे मारपीट करी उसके साथ। और गुरुजी उसने जो तेजाब था उसके मुंह पर डाल दिया, वो शहरी चली गई गुरुजी यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, जब उधर से वापसी आई तो हमारी मम्मी ने जैसे उसे बैंडेज निकाल के देखी तो मम्मी को सदमा आ गया, ये क्या चीज़ है। हाँ, पहचानने में आई ना, उसकी आवाज़ से आई पहचानने में। वो किसी ने जहाँ से वो घटनास्थल से आ रही थी किसी ने रास्ते में भी देखा उसे? रास्ते में जो देखने आए ना, फिर बाद में ये बता रहे कि हाँ सुबह हमने ये ऐसी देखी आती हुई। हम तो ये कह रहे हट गए रेस लगाने वाले भी जो उधर हमारे गांव के घेर हैं, ये क्या ब्याह था। अच्छा, कुछ इसमें और भी आशंका लग रही है? आशंका गुरु जी उसने बताई कि हम तो ये हाल तेरे बाप भैया का भी ऐसी करते, वो तो तू आ गई बीच में, तू तो फंसी गई। मेरे बेटे को ऐसे कही था, मेरे बेटे को कुछ कहा तो तेजाब गेर दिया, हमें पते ना रही ऐसे देखा नहीं है। किस टाइम की घटना आई? 4 बजे का, 3 बजे चली गई, 3-4 बजे के आसपास। क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? कुछ ना सोच रहा बेटी की वजह से। पुलिस को सूचना किस टाइम दी आपने? सूचना क्या बजे पे दी? गुरु जी ऐसी थी ना, जब विधायक जी आएंगे ना 2 बजे के आसपास, जब भी बुलाए सीओ साहब, जब पहले तो मेरठ भी ले गए ना, कोई कभी दवाई से रिएक्शन हो लोनिया में। अच्छा, हाँ तो फिर मेरठ वो लोने सूद हुई तो लोनिया ने बताई सब बात। बता दे जैसे बताइए रोड़िया ने। क्या बताई लड़की ने? लड़की ने नो कही है ऐसे, वो तो तू आएगी नहीं तो तेरे भाई के तेरे पापा के साथ में होता जो दिशा तेरे साथ में हो रही है। और कह दी अपने पापा से जाया कर नहीं ऐसी दिशा करोगे तेरे पापा की भी। बताओ, कहा जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) यानी कि अपहरण, 124 तेजाब डालना और 115(2) और 351(2) आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच करने पहुंचे प्रशासन ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज दिनांक 7/10/24 को पथरा गांव जो थाना रहरा अंतर्गत आता है, यहां पर एक घटना जो कि 3:30 बजे आज शाम को प्रकाश में आई, जिसमें कि वादी द्वारा बताया गया कि जो इसकी बहन है इसके ऊपर गांव के ही जिनकी रंजिश चली आ रही है प्रेमपाल उसका लड़का, जिसमें कि एक पुराना 2020 के मर्डर का जिक्र किया गया इनके ताऊ का, उनके द्वारा रंजिश चली आई, धमकी दी जा रही है, उसके द्वारा मारपीट करने और कोई जलनशील पदार्थ डालकर इसकी बहन को घायल करने की बात आई है। और ये घटना रात्रि 3:30 बजे की है और जिसकी जानकारी आज शाम को
3:30 बजे थाने पर प्राप्त हुई है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस सेल और इन सभी टीमों द्वारा जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं घटनास्थल से एकत्र किए गए हैं और पीड़िता को तत्काल उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है और उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट सुनिश्चित कराया जा रहा है और जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है और शीघ्र कार्रवाई गिरफ्तारी की सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे वारदात के बाद लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर कब तक ऐसे मामले सामने आएंगे। किसी का कत्ल हो जाए तो वो सिर्फ एक बार मरता है, मगर किसी की आबरू लूट ली जाए या फिर तेजाब फेंककर किसी का चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो ऐसा इंसान अगर जिंदा बच गया तो वो हर रोज मरता है, पूरी जिंदगी मरता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम तेजाब की बिक्री पर रोक लगा रखी है। तेजाब बेचते वक्त दुकानदार के लिए हर खरीदार का नाम, पता और पहचान पत्र हासिल करना जरूरी है। ऊपर से एसिड अटैक के बढ़ते मामलों और इसके अंजाम को देखते हुए ऐसा करने वाले गुनेगारों को कम से कम 10 साल से लेकर ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास यानी ताउम्र कैद की सजा दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन फिर भी ऐसी वारदात मानो तमाम नियम कानून को मुंह चिढ़ाती है। देश में हर गुजरते साल के साथ एसिड अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या फिर जस के तस हैं? तो जवाब है कि तमाम सख्ती और कायदे कानून के बावजूद एसिड अटैक के मामले कम नहीं हो रहे हैं। देश में साल 2014 में 203, 2015 में 222, 2016 में 283, 2017 में 252 और 2018 में 228 एसिड और ऐसे ही आगे भी मामले दर्ज किए गए, यानी एसिड अटैक के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में अब सरकार को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अब नहीं जागी तो आखिर कब जागेगी? इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।